नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रेसिपी बाजार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी। आलू से बनाई ये डिलीशियस स्नैक्स आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, नमक, ब्रेड क्रम्स, प्याज, मिर्च, धनिया के पत्ते, गाजर, कॉर्नफ्लावर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे बॉइल्ड आलू, इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर लेकर ग्रेट भी कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को पार्टी में स्टार्टर की तरह सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को शाम के नाश्ते में बनाकर दे सकते हैं। आलू मैश हो गई है बिल्कुल अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, चॉप्ड प्याज, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, चॉप्ड गाजर, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले लें और स्वाद को और बढ़ाने के लिए धनिया के पत्ते। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों को कोई भी वेजिटेबल्स खिलानी हो तो आप इसमें चॉप्ड करके आराम से डाल सकते हैं। बच्चे बहुत मजे से इन्हें खा लेंगे। हमारी आलू की मिक्सचर रेडी है। लॉलीपॉप का शेप देने से पहले इन्हें हम कुछ पार्ट वाइज अलग कर लेते हैं, जिस साइज के बनाने हैं उस अकॉर्डिंग। हाथों में लगाएंगे हल्का सा ऑयल और इन्हें ऐसे गोल करके पेरे की आकार देंगे। बीच में एडजस्ट करेंगे आइसक्रीम स्टिक। इस तरीके से मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल भी जाएगी। इस आलू के मसाले को इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक पे लपेट दीजिए। हल्के हाथों से प्रेस करके हमें अच्छे से डिपॉजिट कर देना है इस स्टिक पर। ध्यान रखिएगा ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे, वरना ये ऑयल के कढ़ाई पे डलते ही टूट के बिखर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। हाथों पे तेल लगाना है, पेरे की शेप देनी है, बीच में स्टिक लगाकर अच्छे से लपेट देना है। ऐसे ही हम बाकी के लॉलीपॉप्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद इन लॉलीपॉप्स के ऊपर की क्रिस्पी लेयर बनाने के लिए हमें एक स्लरी तैयार करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे पानी और करीब 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इन्हें मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखिएगा कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। अगले स्टेप के लिए हमें चाहिए ये अभी बनाई हुई कॉर्नफ्लावर की स्लरी, ब्रेड क्रम्स। अब एक लॉलीपॉप लेंगे और इस स्लरी पे अच्छे से डीप कर लेंगे। फिर जब ये पूरा भीग जाए हम इसे ब्रेड क्रम्स से कवर कर देंगे। ऐसे अच्छे से कवर कर देना है। बिल्कुल एक ठीक कोटिंग हो जानी चाहिए क्रम्स की इस पर। इसी तरह हम बाकी के पीसेस को भी स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स से कवर करके तैयार कर लेंगे। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल ऐड करेंगे और गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए एक एक करके लॉलीपॉप को डाल लेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल मैंने पैन छोटी वाली ली है ताकि इसे आराम से इसके स्टिक को पकड़कर घुमा सकूं। अगर आपके पोटैटो लॉलीपॉप्स पूरे ऑयल में डिप्ड है तो आप उसे चिमटे के हेल्प से घुमा घुमा कर तल सकते हैं। पोटैटो लॉलीपॉप्स को फ्राई करने के लिए ऑयल काफी अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी ये क्रिस्पी और मजेदार बनते हैं। ऑयल अगर थोड़ा भी ठंडा रह जाएगा तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं और हो सकता है टूट के बिखर भी जाए इसमें, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसे ब्राउन होने तक अच्छे से तलेंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इमली की चटनी, धनिया की चटनी किसी के साथ भी खाए बहुत ही टेस्टी लगती है। ये थी हमारी पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।